हेलो हाँ रफी, क्या अंकल को हॉस्पिटल ले जाना है? अभी आ रहा हूँ मैं, अभी आ रहा हूँ। अम्मी क्या हुआ? मैं रफीक के घर जा रहा हूँ। रफीक के घर? पर किस लिए? रफीक की अबू की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। पर बेटा बाहर तो बहुत दंगे हो रहे हैं। अम्मी आप फिजूली डर रही हो, अभी यहाँ पास में तो जाना है। ठीक है बेटा। पार्टी ने बोला है कि कोई मुसलमान बचना नहीं चाहिए, समझ गए तुम लोग? अरे देखो भाई, एक गाड़ी आ रही है, देखो ये हिंदू की है या मुसलमान की है। आने दो इसे, देखते हैं। हाँ भाई 786, कहाँ जा रहा है? भाई सब दोस्त के पापा की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल ले जाना है। अरे तबीयत खराब है तो क्या हो गया, एक मुसलमान कम हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बाहर निकालो से, जा रहे हैं, निकालो से बाहर। मुसलमानों ने तो इस देश का बेड़ा गरक करके रखा है, पता नहीं कब कम होंगे इस देश से, साले पाकिस्तानी कहीं के यहाँ पर आकर हमारे देश में राज कर रहे हैं। रफीक का फोन है, मरने दो साले के बाप को। बेटी आज कॉलेज गए थे क्या? नहीं। तुम्हारा एनसीसी का कैंप जाने वाला था, क्या हुआ उसका, कब जा रहे हो? मैं नहीं जा रहा। पर क्यों? जाओ, होकर आओ, अच्छा लगेगा तुम्हें। मेरी वजह से रफीक के अबू की जान चली गई और आप चाहते हैं मुझे अच्छा लगे, मैं घूमने जाऊं? रफीक के अबू की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं हो। अंधेरे में क्यों बैठे हो मियां? कौन? अब पहचाना? वसीम भाई, आइए बैठिए। रफीक के अब्बू के बारे में पता चला, अब क्या सोचा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ये हमला तुम पर नहीं था, सारे मुसलमान भाई पर था, और इसकी सजा सभी हिंदुओं को मिलेगी। सजा देने के लिए मुझे क्या करना होगा? आने वाली 22 तारीख को रामबाग में हिंदुओं की महासभा है, और उस दिन उनकी दिवाली हम मनाएंगे, और मैं चाहता हूँ इस काम को तू अंजाम दे। मैं अंजाम दूंगा इस काम को। तो प्लान सुनो, उस दिन रामबाग में तुम्हें मेरा एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हें बैग देगा और उस बैग को तुम्हें लोगों के बीच रख कर आना, समझे? 22 तारीख, तुम तैयार है ना? मैं चलता हूं, खुदा हाफिज। हेलो,
हाँ सिंह भाई, पहुंच रहा हूँ मैं आपके पास यार। ओ शिट, मत मारिए, क्यों मार रहे हैं इन्हें? माने सिंह नहीं तो किसी कम नहीं हो जाएंगी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। क्यों मार रहे हैं इन्हें? माने सिंह मेरी तकलीफें कम नहीं हो जाएंगी। हेलो वसीम भाई, मैं नहीं आऊँगा। वैसे भी बेगुनाहों की जान लेने से रफीक के अब्बू वापस तो नहीं आ जाएंगे। जो किसी ने मेरे साथ किया वो मैं किसी और के साथ क्यों करूँ? खुदा हाफिज़।